तो है गाइस, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं नेहा कक्कर के बारे में। जी हाँ गाइस, नेहा कक्कर ने स्पेशली मनीषा रानी के लिए एक मैसेज दिया है जो कि वो मनीषा रानी और टोनी कक्कर के न्यू सॉन्ग जमुना पर रिलीजिंग 6 सितंबर रिलेटेड है। सो नेहा कक्कर ने मनीषा रानी के लिए क्या मैसेज दिया है वो आप खुद देख लीजिए। मनीषा, हर फर्स्ट सॉन्ग आफ्टर बीबी इज रिलीज, आई प्रे टू गॉड दैट दिस सॉन्ग बिकम अ बिग हिट सो दैट ही गेट्स मोर एंड मोर वर्क इन फ्यूचर। आई नो हाउ मच हार्ड वर्क शी इज डन इन द पास्ट। माय नी हर्ट्स फैंस ऑफ मनीषा, टोनी कक्कर एंड टोनीसा फैंस, make sure you all make this song big. I will also make sure that I promote it well and khub sari reels aap bhi banana and kill it, all the best Manisha Rani. To guys ab hum baat karne wale hai Pooja Bhatt ke bare mein. To guys Pooja Bhatt ne apne Instagram pe ek reels share jahan par unko apne favorite baby ka dhruv ke sath enjoy karte hue dikhai jo ki aap log ye photo mein dekh sakte ho, Pooja Bhatt ke sath baby ka dhruv ek sath mein. To chaliye dosto badhte hain next update ki taraf. To guys ab hum baat karenge Elvish Yadav ke unbreakable records ke bare mein. To chaliye dosto dekhte hain Elvish Yadav kin kin cheezon mein record break jo ki wo list aap log dekh sakte हो पीक में। 595K इंस्टा लाइव व्यूअर, मोस्ट वोटेड बीबी पर्सन, फर्स्ट वाइल्ड कार्ड टू विन द शो, ह्यूज क्राउड इन फर्स्ट मीटअप, हिस्टोरिक क्राउड इन सेकंड मीटअप, मोस्ट व्यूज लाइव ऑन आज तक 100K इन जस्ट 40 मिनट, 1 करोड़ लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम, टॉप 5 मोस्ट टॉक ट्विटर अकाउंट इन द वर्ल्ड, मोस्ट लाइक्ड ऑन इंस्टाग्राम इन द वर्ल्ड न्यू। तो गाइस यहाँ पे टॉप सेलिब्रिटी ऑफ द मंथ में एलविश यादव नंबर 7 पे है और मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंडियन अकाउंट में एलविश यादव नंबर 5 पे है और फुकरा इनसे नंबर 7 पे है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं अभिषेक मलहन के बारे में। अभिषेक मलहन रिसेंटली एक जन्माष्टमी इवेंट में गए थे बट उनको इवेंट के बीच में ही वहाँ से जाना पड़ा बिकॉज वहाँ पर ओवर क्राउड हो गया था, यानी कि बहुत भीड़ हो गया था और सिक्योरिटी रीजन के वजह से वहाँ से जल्दी ही हटना पड़ा, जो कि इस वीडियो में देख सकते हो कुछ फुटेज। तो गाइस चलिए नेक्स्ट अपडेट पर। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं राखी सावंत के बारे में। जी हाँ गाइस, राखी सावंत उनके हस्बैंड आदिल तोरणी के ऊपर लगाया इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, आदिल के ऊपर इल्जाम लगाते हुए राखी ने बोला आदिल बहुत टॉर्चर किया है, आदिल उनके ऊपर दाग लगाया, आदिल की वजह से उनका बाल कटवाना पड़ा और भी बहुत कुछ बोला है जो कि ये वीडियो में आप देख सकते हो। आदिल ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतने दाग लगाए, आदिल ने मुझे इतना लूट लिया पैसों से, आदिल ने मेरे दोस्त छीन लिए, आदिल ने मेरे सुख चैन छीन लिया, आदिल ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मेरे सारे बाल गिर गए, आज मुझे बाल कटाने पड़े। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं अभिषेक मलहन और जिया शंकर के। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक मलहन और जिया शंकर के अपकमिंग म्यूजिक वीडियो का टीजर वीडियो आउट हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा जिया शंकर और अभिषेक मलहन एक न्यू म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले। फाइनली आज इसका टीजर वीडियो आउट हो गया है और टीजर आउट होते ही इसका रिलीज डेट भी पता चल गया है और फैंस काफी एक्साइटेड है इनकी अपकमिंग म्यूजिक वीडियो के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा सॉन्ग का नाम है जुदाइया और ये एक ब्रेकअप सॉन्ग होने वाला है और इस सॉन्ग का सिंगर है तनवीर इवान और सॉन्ग रिलीज होगा, यानी कि सॉन्ग हमें देखने को मिलेगा प्ले डीएमएफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और इसके फुल सॉन्ग हमें 8 सितंबर देखने को मिलेगा। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एलविश यादव के बारे में। तो गाइस एलविश यादव आज अपने ब्लॉग चैनल पर बोला है कि बिग बॉस के बाद पहली बार पूजा भट्ट के साथ उनके बातचीत हुई और उन्होंने कुछ कॉमेंट का रिप्लाई भी दिया। तो उन्होंने कहा है की उनको बहुत ही कॉमेंट आ रहा था पूजा भट्ट रिलेटेड, यहाँ पर उनको बोला गया था की बिग बॉस में रहते वक्त की पूजा भट्ट के साथ तो अभी बिल्कुल भी नहीं झगड़ते थे और उसको कुछ भी नहीं कहते थे। सो एलविश यादव ने इन सब कमेंट का रिप्लाई दिया कुछ ऐसा जो कि आप खुद देख सकते हो। आज मेरी बात हुई गाइस किससे, पूजा जी से, पूजा भट्ट से। भाई मैंने ना बहुत कमेंट देखे, सब उनमें एक चीज़ कॉमन थी, एलविश भाई तुम तो पूजा से लड़े नहीं, तुम तो पूजा से गुथे नहीं, मैं क्यों गुथूँ, मैं क्यों लड़ूँ। मुझे एक बात बताओ, सामने से तुम्हें अगर कोई कुछ नहीं कह रहा तो तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो भाई, अगर सामने वाला तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है। सिंपल सी बात है ना, तुम भी रिस्पेक्ट दोगे ना, इतनी इंसानियत तो है यार तुम में। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं मनीषा रानी और टोनी कक्कर के बारे में। तो गाइस मनीषा रानी और टोनी कक्कर का अपकमिंग म्यूजिक वीडियो का टीजर वीडियो आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मनीषा रानी और टोनी कक्कर एक नया वीडियो में नजर आने वाले। फाइनली आज इसका टीजर वीडियो आउट हो गया। तो दोस्तों फैंस काफी एक्साइटेड है इनकी अपकमिंग म्यूजिक वीडियो को लेकर। सॉन्ग का नाम है जमुना पर और ये एक डांस सॉन्ग होने वाला है और इस सॉन्ग का सिंगर है नेहा कक्कर और टोनी कक्कर और ये सॉन्ग हमें देखने को मिलेगा पोएट्रिक रैबिट यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, फुकरा इंसान और जिया शंकर का जुदाइया और मनीषा रानी और टोनी कक्कर का जमुना इन दोनों वीडियो का टीजर आज जी सेम डेट पर आउट हो चुका है और फुकरा इंसान मनीषा रानी के म्यूजिक वीडियो जमुना पर के बारे में बोलते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट करके बोलते हैं ऑल द बेस्ट टू टोनी कक्कर एंड मनीषा रानी फॉर योर अपकमिंग सॉन्ग जमुना पर, द टीजर लुक अमेजिंग, आई एम श्योर इट विल बी ए ब्लॉकबस्टर, कांट वेट इट्स रिलीज टुमारो। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट। चलो गाइस अब देखते हैं अभिया वर्सेस टोनीसा का फर्स्ट 50 मिनट पे व्यूज कितने आए थे। सो गाइस जुदाइया इन फर्स्ट 50 मिनट पे व्यूज आए थे 2,95,183 प्लस और जमुना पर का व्यूज आए थे 1,35,463 प्लस।